नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी के बारे में, जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश में आया है। क्या कुछ रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं कि इसका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 नवंबर यानी आज के दिन से ही स्टार्ट होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 25 नवंबर 2023 है। दोस्तों अब हम बात करेंगे फार्मासिस्ट के पोस्ट के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 3 पर है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट। टोटल पोस्ट जो है ये है 43 पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का, जिसमें आप देखेंगे 9 पोस्ट जो है वो आपके एससी कैटेगरी के लिए है, 13 पोस्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और 17 पोस्ट अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी के लिए है। तो इस तरह से टोटल 43 पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एसजीपीजीआई लखनऊ में। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पेज नंबर 7 पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो हमें देखना है मेनली फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक चीज बता दूं दोस्तों कि इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बात करेंगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहां आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा होना जरूरी है। इसके साथ ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। दूसरा है डिजायरेबल, यहाँ भी मांगा गया है कि डिजायरेबल में क्या है, डिग्री इन फार्मेसी। अगर किसी कैंडिडेट ने बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा किया है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरा डिजायरेबल में मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फार्मेसी में तो उसे डिजायरेबल कैंडिडेट मांगा गया है। यहाँ किसी भी स्टेट का डोमिसाइल नहीं मांगा गया है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कोई भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक चीज बता दूं दोस्तों कि इसका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज का, एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि इसका मिनिमम एज जो है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 साल तक रखा गया है, और एससी एसटी ओबीसी के केस में एज रिलैक्सेशन भी यहां दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो पेज नंबर 4 पर हम देखेंगे मेनली एग्जामिनेशन फीस के बारे में, जहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये प्लस जीएसटी रखा गया है, टोटल 1180। ओबीसी के लिए भी 1180 रखा गया है, वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 708 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। आप ये एग्जामिनेशन फीस के बारे में इस वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो पेज नंबर 10 पर चलेंगे हम, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, जहां पे आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में ये होगा टेस्ट। और इसमें एक बार ओवरऑल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 60 मार्क ऑन द सब्जेक्ट यानी फार्मेसी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 10 मार्क रीजनिंग के और 10 मार्क मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स आपका क्वेश्चन होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। अब हम बात कर लेंगे कि इसका फाइनल सिलेबस कब आएगा। तो इसके फाइनल सिलेबस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एसजीपीजीआई की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए आपके पास अच्छा मौका है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिसमें 43 पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस रिलेटेड अपडेट के लिए, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।